वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम जो हमने पिछली बार बात की उससे थोड़ा आगे चलने का प्रयास करेंगे। हमने पिछली बार कूलम्स लॉ के ऊपर बात कर ली थी कि कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स है और उसकी वैल्यू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर है और उसमें के की वैल्यू 9×10⁻⁹ की वैल्यू होती है। ये हम स्टडी कर चुके हैं। आज हमने बात करनी है कूलम्स लॉ के आगे चलते हुए वेक्टर्स की। वेक्टर्स में क्या है हमारे पास, आपको मालूम है वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है और फोर्स आप जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी डायरेक्शन होती है। तो फोर्स को उस तरह कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो पहला आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आता है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये हमने एक्सिस बना लिया, सिस्टम बना लिया, ये चार्ज मैंने बना लिया ये देखिए Q1 और इसको मैंने बना लिया R1 और ये बना लिया Q2 और इसको मैंने बना लिया R2। ध्यान देना, मैंने R1 R2 दोनों वेक्टर बना लिए। तो यहां से यहां तक का वेक्टर ये, इसको मैं आर वेक्टर कह देता हूं। तो आप नॉर्मल वे में जानते हैं, जिन लोगों ने वेक्टर पहले किया वो तो सिंपल R2 - R1 लिख सकते हैं। तो आपके पास R क्या आएगा, R2 - R1। R2 पर ऐसे बोलेंगे, यहां पर लिख लीजिए आर है विच इज R2 - R1। जिनको ये समझ रहा है वो ऐसे समझ सकते हैं कि R1 + R2 इसकी वजह से ये सिस्टम हमारे पास था। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया। तो हम फोर्स कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू वन, टू वन ऑन चार्ज टू ड्यू टू वन इज अगेन के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर 2⁻²। आपको मालूम है वेक्टर का स्क्वायर हम नहीं कर सकते, वेक्टर के मॉड का स्क्वायर कर सकते हैं। कुछ जगहों पर इसको ऐसे भी लिख दिया जाएगा, जैसे R21 ये आया तो R21 का यूनिट वेक्टर देखिए क्या बनेगा, R21 का यूनिट वेक्टर मुझे बनाना है, दैट विल बी R2 - R1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ R2 - R1। तो कहीं कहीं पर इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि के Q1 Q2 × R21 as unit vector and divide by R2 - R1, इन दोनों को वेक्टर बनाएंगे और इसका स्क्वायर करते हैं। ये है वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को लिखना, राइटिंग दिस थिंग इन अ वेक्टर फॉर्म फॉर कूलम्स। आप नोट कर सकते हैं इसको। अब हम इसको प्रैक्टिकली यूज करने की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज जो पुरानी रह गई है मेरे दिमाग में आई वो आपको बता दूं, वो है किसी बॉडी को चार्ज करने के क्या तरीके हैं। हम नॉर्मली तो हमने बात कर ली कि फ्रिक्शन से आप रब करेंगे बॉडी में चार्ज आ जाएगा, लेकिन चार्ज करने का कोई तरीका तो होगा, वो तरीका हम बात करते हैं। मैं मिटा रहा हूं इसको पॉज करके। तो चार्जिंग के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला चार्ज का तरीका होता है कंडक्शन। तो कंडक्शन का क्या मतलब होता है, कंडक्ट करना। एक चार्ज बॉडी है, मान लीजिए मेरे पास ये एक चार्ज बॉडी है, मान लीजिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने एक न्यूट्रल बॉडी से कांटेक्ट करा दिया या तार से जोड़ दिया, दोनों केस में क्या होगा, थोड़ी देर के बाद इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कितना आएगा वो तो बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है, बेसिकली पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, वो हम पोटेंशियल के टॉपिक में करेंगे, बट चार्ज ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी एक चार्ज को दूसरे चार्ज से अगर आप कॉन्टेक्ट करा देते हैं, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल से कॉन्टेक्ट करते हैं, तो दोनों चार्ज बराबर होते हैं। हाँ, यहां पर एक बात आपको और बता दूं शुरू के क्वेश्चन के लिए, अगर ये दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिकल स्फीयर्स के बारे में आते हैं, तो जहां पर आइडेंटिकल स्फीयर्स लिखा होगा, आइडेंटिकल स्फीयर बिल्कुल एग्जैक्टली एक सा, उस केस में
चार्ज दोनों में आधा आधा आ जाएगा। अगर तीन स्फीयर है तीनों में बंतड़ बंतड़ आ जाएगा, मतलब उस चार्ज ने उन सब में इक्वली डिवाइड कर लेना है। अगर वो सिमिलर बॉडीज है, एग्जैक्टली सिमिलर, माने मटेरियल भी वही है, शेप भी वही है और उन तीनों के बीच का रेडियस भी वही है, मतलब उतना बड़ा उसी टाइप का, तो हमारे पास तीनों में चार्ज बराबर आ जाएगा। अब ये तो हुआ कंडक्शन का तरीका, इसको जरा हटा देते हैं और ये सारा आप समझ गए होंगे। अब हमने बात करनी है दूसरा मेथड, और वो दूसरा मेथड क्या है जिसको कहते हैं इंडक्शन। अब आप समझिए इंडक्शन क्या है। आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ा होगा, जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात पढ़ते हैं कि किसी फैराडे ने इंड्यूस चार्ज पैदा किया, इंड्यूस करंट पैदा किया, ये इंडक्शन एक शब्द है। याद रखिए इंडक्शन किसको बोलते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे पास फिजिक्स लैंग्वेज में या किसी भी साइंटिफिक लैंग्वेज में हर शब्द का एक मतलब है। आप उसका मतलब समझ लोगे तो हर जगह इस्तेमाल होगा, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, इंड्यूस चार्ज, जो भी इंड्यूस होगा। इंड्यूस का मतलब होता है किसी बॉडी में जो कुछ भी जानी है वो विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट हो। आपने दो बॉडीज को स्ट्रेट कॉन्टेक्ट नहीं करना तो उसमें जो चार्ज होगा उसको हम इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। जो दोनों बॉडीज आपने जिस मतलब जिन एक में चार्ज है एक अनचार्ज है उसमें इंड्यूस कर देती है चार्ज। आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है यहां। अब मैंने क्या किया, दो बॉडीज ले ली, या पहले एक बॉडी रख के देखिए, ये वाली बॉडी कंडक्टर है। कंडक्टर कहते ही आपके मन में घंटी बजनी है कि कंडक्टर इसको बोलते हैं जिसमें बहुत सा मोबाइल चार्ज हो। मोबाइल का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों चलने वाले। हालांकि हम मैथमेटिकली और आज की साइंस को जानते हुए अच्छी तरह जानते हैं कि जो चार्ज मूव करता है वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली एक जगह से दूसरे तक जाने में तैयार है, सक्षम है। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो जगह नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। अब आप देखिए इसके अंदर बहुत सा मोबाइल चार्ज, तो ये मोबाइल चार्ज क्या करेगा, हिल सकता है चार्ज लेकिन बॉडी के अंदर ही बाहर नहीं निकल सकता। तो क्या होगा, इस हिस्से पे यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हुआ, इस हिस्से के अक्रॉस आ गया नेगेटिव चार्ज, इस हिस्से के अक्रॉस आ गया पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें थोड़ा चार्ज इंड्यूस हो गया, बेसिकली ये बना क्या, एक्चुअली सेम चार्ज थोड़ा इसमें, क्योंकि ओरिजिनली ये न्यूट्रल चार्ज था। तो याद रखिए अगर यहां पर माइनस क्यू डेवलप हुआ है तो यहां पर प्लस क्यू का ही होना है, बिकॉज ओरिजिनली चार्ज जीरो था। और आप आइसोलेटेड चार्ज के बारे में जानते हैं कि चार्ज विल रिमेन कंजर्व, जितना यहां माइनस होगा उतना ही यहां प्लस होगा। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि इसमें एक ही बॉडी में चार्ज माइनस और प्लस रहा तो चार्ज बॉडी चार्ज तो नहीं हुई ना, मतलब उसके अंदर का चार्ज हिल जरूर गया, कहीं माइनस हो गया प्लस आ गया उसी बॉडी के अंदर रहा। तो मैं आपको बताता हूं इंडक्शन असली क्या होती है। ये तो मैंने आपको फिनोमेना ऑफ इंडक्शन बताया, ये असल में होता क्या है कि आपके पास एक बॉडी है, मैंने यहां पर एक बॉडी आपके लिए और रख दी है, मतलब पूरी बॉडी है, दोनों जुड़ी हुई बॉडी है, ले लीजिए। अब क्या होगा, अब इस हिस्से में नेगेटिव चार्ज आएगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये तो बॉडी जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई होने के कारण क्या होगा, जुड़ी हुई होने के कारण इसमें चार्ज ट्रांसफर कर सकता, कंडक्शन कर सकता। तो जब चार्ज कंडक्ट करेगा तो एक जगह पर नेगेटिव एक जगह पर पॉजिटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के पास आ जाएगा, पॉजिटिव वाला दूर भाग जाएगा। ये हमारे पास बॉडी में अभी चार्ज है। अब हम क्या करते हैं, इसी में रखे रखे इसी वक्त इस कॉन्टेक्ट को रखे रखे इस बीच की तार को हमने काट दिया, ये कॉन्टेक्ट हमने तोड़ लगे लगे, तो इसका मतलब यहां इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके बाद इसको फेंक दिया तो क्या बचेगा, ये एक गोला बन गया, ये एक गोला बन गया, इसमें जितना है नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इन दोनों बॉडीज में चार्ज आ गया, वो चार्ज कहां से आया, इस बाहर वाली बॉडी से आया, लेकिन विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट, विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट। इस वजह से
इस वजह से हम ये कहते हैं दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा, ये दोनों चार्ज क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो एक बात याद रखिएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आप हमेशा इंडक्शन से ही पैदा कर सकते हैं। अगर आपके पास कंडक्शन में देखिए क्या है, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है किसी भी बॉडी से लगाएंगे तो आप उसमें पॉजिटिव चार्ज ही ला सकते हैं, नेगेटिव नहीं ला सकते। लेकिन इस प्रिंसिपल में आपने दो अलग अलग बॉडीज में एक पर कितना पॉजिटिव दूसरे पर कितना नेगेटिव लिया है, आप इसी प्रिंसिपल से। ये है हमारे पास चार्जिंग बाई कंडक्शन एंड इंडक्शन। हालांकि इसके ऊपर थ्योरेटिकली क्वेश्चन ही बनता है, कोई क्वेश्चन ऐसा उसमें मैथमेटिकल पार्ट में नहीं बनता। आइए अब हम इसको रिमूव करेंगे यहां से, ये पुराना टॉपिक है इसी पे लगाऊ पर मैंने पहले रह गया, नई टॉपिक पे आ गया इसके लिए। अब हम चलते हैं इसके आगे। बहुत ही आराम से अब आप समझिएगा कि जो हमारे पास कूलम्ब लॉ वाला चक्कर है इसको हमने वेक्टर में कैसे इस्तेमाल करना है, कहां पर आएगा। इसके पहले एक शब्द सुनिए जिसका के नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब यहां पर क्या करेंगे, ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, ऑफ फोर्सेस कह दीजिए, ये सुपरपोजिशन अपने आप में एक जनरलाइज शब्द। जनरलाइज का मेरा मतलब यह है, इस सुपरपोजिशन को आपने क्लास 11th की वेव्स में पढ़ा था, क्लास 12th की फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप इसको चार बार पढ़ेंगे, एक बार सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, एक बार पोजिशन इलेक्ट्रिकल फील्ड्स का, एक बार सुपरपोजिशन वोल्टेज का, एक बार सुपरपोजिशन एनर्जी का, बहुत जगह पढ़ सकते हैं। लेकिन यह है क्या असल में, यह सुपरपोजिशन का मतलब यह है, देखो मतलब अगर कई, देखो इसकी स्टेटमेंट मैं पहले पढ़ देता हूं। स्टेटमेंट क्या है, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ चार्जेस, फोर्स ऑन एनी वन चार्ज विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल दी चार्जेस। बस ये है, मतलब ये हुआ अगर 10-12 चार्ज है, 10 चार्ज है मान लीजिए, तो हर एक चार्ज के ऊपर आसपास के 9 चार्ज फोर्स लगाएंगे, तो उस बॉडी पर जो फोर्स लगनी है वो उन 9 का रिजल्टेंट होगा, वेक्टर होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये हमारे पास इस लॉ ने बताया, हालांकि कोई नया लॉ नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हमने मैकेनिक्स के क्वेश्चन किए, एक बॉडी पर आपने 3 फोर्स लगा ली, फ्रिक्शन भी लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रही है, कोई और फोर्स भी लग रही है, तो बॉडी का नेट मूवमेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक ही तो लास्ट में रिजल्टेंट बनता है ना, तो इनमें भी क्या करना है आपने, एक ही लास्ट में रिजल्टेंट बनेगा, और होना कुछ नहीं है, ये सिर्फ कहने की तरीके है। फर्क सिर्फ इतना है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमेशा जितनी चीजें है उसका नेट निकालने के लिए होता है। अब हम क्या बोलेंगे, अगर फोर्स के बारे में करेंगे तो फोर्स क्योंकि वेक्टर है इसलिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर सम, मतलब एन नंबर ऑफ चार्जेस अवेलेबल, फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू बैलेंस एन माइनस वन चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑफ ऑल इंडिविजुअल, मतलब उनकी वजह से। इसको समझा दिया आपको मैंने स्टेटमेंट में, चलिए इसको थोड़ा समझ के करते हैं। आइए मान लीजिए मेरे पास एक यहां पर 4 कूलम का चार्ज है, लेट्स से 4। अच्छा, कूलम अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, हम लोग छोटी यूनिट इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो यूज हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, सबसे कॉमन इस्तेमाल करेंगे माइक्रो कूलम, विच इज 10^-6 कूलम, एक करेंगे नैनो कूलम, विच विल बी 10^-9 कूलम, एक करेंगे पीको कूलम, विच विल 10^-12। ये कॉमनली यूज है क्योंकि कूलम बहुत बड़ी यूनिट है। आपको मैंने बताया एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10^-19, मतलब 10^7 चार्ज मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, 10^7 चार्ज ऑफ पीको, तो -19 है, बहुत ही। तो इसके लिए इसको ध्यान रखिए, बहुत छोटा यूनिट होता है। मान लीजिए आप उसको हमने डे टू डे लाइफ में माइक्रो कूलम हम यूज किया करके, मान लो इसके ऊपर चार्ज 4 माइक्रो, यहां पर एक और बॉडी रख दी थी मैंने 2 माइक्रो, और लेट अस से बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है, और अगर आपसे पूछा जाए इसकी फोर्स निकालिए तो बहुत आसान है, हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी इसके ऊपर, 9 10^9
इंटू फोर इंटू टू एट आ गया, इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई सिक्सटीन, यही आ गई विच इज नाइन बाय टू टाइम्स टेन टू द पावर माइनस थ्री न्यूटन। ये तो सिर्फ मैंने कैलकुलेशन करके आपके साथ बता दिया, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब इसके बाद जो आप समझ रहे हैं, ये तो हमारे पास दो चार्ज है ना, अब असली सवाल ये आता है, मान लो यहां पर एक चार्ज और रख दिया मैंने आपके सामने, यहां पर अगर इस पॉइंट पर मैंने चार्ज रख दिया कुछ और, लेट्स से वन माइक्रोकूल, और ये दूरी मान लो चार मीटर है। अब देखो ये वन माइक्रोकूलम क्या करेगा, ये टू माइक्रोकूलम को ये वाला चार माइक्रो, जब हम चार्ज के ऊपर फोर्स स्टडी करेंगे, जिस चार्ज के ऊपर भी हम फोर्स स्टडी करेंगे, हम उसको स्टेशनरी मानेंगे और उस पर लगने वाली अलग अलग फोर्सेस को हमने स्टडी करना है। जैसे ये वाला है, अब इस पर ये फोर्स किधर लगाएगा, चार वाले के ऊपर दो वाला फोर्स किधर लगाएगा, दो वाले पर चार का फोर्स किधर लगाएगा, ये आपको सेम और ऑपोजिट एक्शन दोगी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ये न्यूटन थर्ड लॉ वेक्टर की बात करते हैं, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट। तो यहां पर जो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी वो ये लगेगी, हमने कहा लगाई है टुवर्ड्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स, यहां पर इसके ऊपर चार्ज फोर्स तो इधर लगेगी और इतनी लगेगी तो इतनी की इतनी, लेकिन लगेगी इस पर। अब ये वाला चार्ज और आ गया, आपको पता है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इसके ऊपर से लगने वाली चार्ज, ये मैंने लिखा चार्ज ऑफ फोर एंड टू, अब मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑफ वन एंड टू, ठीक, ये कितना है नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन इंटू टू इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाय सिक्सटीन विच इज एटीन बाय सिक्सटीन और नाइन बाय एट टाइम्स टेन टू द पावर माइनस थ्री न्यूटन, बट along negative x axis 9 by 2 उधर लग रही है, that is 4.5, 9 by 8 उससे कम है और force इधर लग रही है, तो ये body को next force क्या बन गई, क्योंकि इसकी force कहां लग रही है बेटा, ये लग रही है, तो दोनों force opposite direction में आपको मालूम है, क्योंकि दोनों opposite direction है, इसके ऊपर next force हम कैसे निकालेंगे, F net will be 9 by 2 minus 9 by 8 into 10 to the power minus 3 newton. माइनस कर दिया, क्योंकि एक फोर्स अट्रैक्टिव है एक फोर्स रिपल्सिव है, दोनों की डायरेक्शन उल्टी है। अब यहीं पर एक सवाल में थोड़ा चेंज करते हैं, हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज को इसकी जगह पर यहां पर माइनस कर देते हैं, तो अब देखिए इसकी जो फोर्स लगने वाली है ये भी इसकी डायरेक्शन बजाय लेफ्ट होने के इसकी डायरेक्शन भी राइट हो जाएगी, तो दोनों फोर्स अब क्या कर रही है उसी डायरेक्शन में काम कर रही है, तो आपके पास दूसरे केस में एफ डैश नेट बोलता हूं मैं इसको, इट बी 9 बाय 2 प्लस 9 बाय 8 तो इसमें आपने किस बात का ध्यान रखा, क्योंकि आपको क्या करना था इंडिविजुअली दोनों फोर्सेस को निकालना है, उनकी डायरेक्शंस को समझना है और ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, ये आपको वहां चेक करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो, पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, आपको दोनों की अलग अलग फोर्सेस देखनी है और उन फोर्सेस को यूज करके आपने नेट निकालना है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। इसमें अब आप थोड़ा सा एक वेरिएशन आपको और बताऊंगा, ये आपने क्या किया, अच्छा ये एक ही डायरेक्शन में, इसलिए आपके पास ऐड या सब्ट्रैक्ट हुई, लेकिन अगर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स थोड़ी भी गड़बड़ होती, गड़बड़ माने सेम लाइन नहीं होती, तो क्या करना पड़ता, आपको मालूम है जब हम रेजोल्यूशन का काम किया करते हैं, वही अब हम आपके सामने करके दिखाते हैं। इधर देखिए
थोड़ा सा इस प्रोटॉन को चेंज करते हैं, इस वाले चार्ज को तो कर देते हैं एलिमिनेट, ये फोर्स तो एज इट इज रहने दीजिए। अब यहां पर आ गए, अब ये वाली फोर्स तो ऑलरेडी राइट पर है ही, इसको बढ़ा देते हैं हम लोग, ये वाली इट इज लाइक दिस। सपोजिंग इसके ऊपर मैंने यहां पर 4 माइक्रोकूलम भी एग्जैक्टली और रख दिया, वो भी प्लस वाला चार्ज, और ये दूरी मेरे पास यहां पर मैंने 4 मीटर कर ली, तो आपको मालूम है ये भी 4 माइक्रोकूलम, ये 2 माइक्रोकूलम, ये फिर 4 माइक्रोकूलम, इसकी दूरी 4, इसकी दूरी 4, दोनों की दूरी बराबर है, इसका मतलब दोनों की फोर्स बराबर होगी, क्योंकि फॉर्मूला भी लगा के आप चेक कर सकते हैं, 4 × 2 / 4² इसका मतलब ये वाली फोर्स जो बने वाली, इसको मैं नाम दे दूंगा, इसको मैं नाम देता हूं ए, इसको नाम दिया मैंने बी, तो मेरे पास ये क्या बनेगा, फोर्स ए बी, राइट, इसको मैं नाम दिया सी, तो फोर्स बी सी क्या बन गया, 9 × 8 × 10⁻³ / 16, यही आ गया, मतलब अब मेरे पास दो फोर्सेस आ गई है, ये कहां लगी, नेगेटिव वाई एक्स, ध्यान देना नीचे की तरफ, दोनों फोर्स क्या नीचे लग रही है, तो एक ऊपर एक नीचे, तो आपने देखा एक ऊपर एक नीचे, अब हम इसको वेक्टर से करेंगे, वेक्टर वाइज क्या होगा, देखिए क्या कंडीशन हो गई है, ये मेरे पास +2 वाला बी चार्ज है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है इधर, लेट मी कॉल इट एफ, एक्चुअली दोनों बराबर है, इसलिए एफ लिख रहा हूं, बाकी आप आसानी से के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वैल्यू भी ले सकते हैं, मेरे को आसान लग रहा है एफ लिखना, अब नीचे भी है एफ, अब सोचिए बॉडी जाएगी कहां, आपको पता है ऐसा सिस्टम होगा तो आपके पास बॉडी समवेयर हेयर जाने वाली है, इसके ऊपर ये नेट फोर्स बनेगा एफ नेट बोल देते हैं इसको, आपको मालूम है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, आपको एक पुराना फॉर्मूला भी मालूम है अगर आपको याद हो, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos α, राइट, इसमें पी स्क्वायर भी एफ है, क्यू स्क्वायर भी एफ है, 2PQ2F² बन जाएगा इंटू कॉस 40, एल्फा कितना है 90, और ये दोनों भी क्या है 90 आप देख सकते हैं, इंटू कॉस 90 विच इज 0, तो मेरा आर क्या बन गया यहां पर आप देख सकती हैं 2F² की वजह से एफ √2, और आपको मालूम है ये एंगल क्या बनेगा 45 इस केस में, अलग 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 आएगा लेकिन समझाने के लिए आप देख सकते हैं यहां पर आप, अब इसमें आपने क्या किया है ध्यान से सोचिए, इसमें आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का ही यूज किया, करा आपने इसमें भी था, लेकिन इसमें आप इतना डिटेल में नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि हमारे पास लाइनें सीधी है, हमारे पास फोर्स या दोनों जुड़ जाएंगी या एक बहुत टेंशन, जबकि इसके अंदर आप जानते हैं फोर्स की डायरेक्शन बदल गई है, इस वजह से आपको इसमें, यह मैंने आपको बताया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। वेलकम स्टूडेंट्स, अब हमने अभी कुछ कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स और कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में